हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ब्लॉग। और आज हम आ गए हैं शेंज़न में और हम यहाँ पे एक एग्जीबिशन में आए हैं जहाँ पे चाइना ने अपने जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके यूज़ केस दिखाए हुए हैं। तो आपको ले चलते हैं यहाँ पे इनकी 5G टेक्नोलॉजी को दिखाने के। तो पहले हम आपको ले चलते हैं इनकी स्मार्ट पुलिसिंग सेक्शन के अंदर। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो एक ड्रोन रखा हुआ है इन्होंने। मुझे नहीं लगता मैं ज़िंदगी में इतना बड़ा ड्रोन कभी देखा होगा, ना ही मैंने देखा है। तो पहले हम इसका थोड़ा क्लोज़र लुक लेते हैं और फिर इसके देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये है केस जो कि इस ड्रोन को फ्लाई करने के अंदर हेल्प करता है। ये जो पूरा केस है ये एक ब्रीफ केस के अंदर, ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, ये एक ब्रीफ केस के अंदर इन्होंने सेट किया हुआ है ताकि आप इसको ईजिली कहीं पर भी लेके जा सको। और साथ इसका कंट्रोलर भी एक छोटा जो कि सेम काम करता है, बट ये एक पोर्टेबल कंट्रोलर है तो आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो। ये जो ब्रीफ केस है इसके अंदर एक बड़ी इमेज आ जाती है कि आपका जो ड्रोन है वो उसका कैमरा एग्जैक्टली देख के रहा है। इसके अंदर थोड़े सा ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर आ जाते हैं। और ये जो ड्रोन है आप देखो इसके ऊपर कैमरा लगे हुए हैं। इस कंप्यूटर का और इस ड्रोन के जो कनेक्शन है वो 5G के थ्रू इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। और अगर आप देखना चाहते हो कि इसकी जो पिक्चर क्लैरिटी है वो कैसी होती है, कैसी वीडियो क्लैरिटी होती है, तो वहाँ पे आप कंप्यूटर में देख सकते हो। इस तरीके का व्यू आता है जब ये ड्रोन ऊपर उड़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप ये बाय कर लोगे तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। इसको सिर्फ आर्मी और पुलिस के लोग ही यूज़ कर सकते हैं और इसको उड़ाने के लिए कोई आम बंदा नहीं, इसको उड़ाने के लिए खास पायलट का लाइसेंस चाहिए, तभी आप इसको उड़ा सकते हैं। तो ये जो आप रोबोट देख रहे हो यहाँ की जो पुलिस है चाइना की, ये मशीनरी जो है ये यूज़ करती है। इसके ऊपर इन्होंने कैमराज लगाए हुए हैं और काफ़ी टाइप के सेंसर्स लगाए हुए हैं जो कि हीट सिग्नेचर भी कैप्चर करती है, जिससे कोई भी सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है इजीली। खास करके ये यूज़ होता है हॉस्टेज सिचुएशन के अंदर। अगर इनको जानना है कि अंदर कितनी, अंदर की पूरी पिक्चर क्या है, पूरी सिचुएशन क्या है, तो ये किसी बंदे की जान खतरे में ना लगा के इस रोबोट को यूज़ करके जो सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल गैजेट है चाइना की पुलिस के लिए और किसी भी देश की पुलिस के लिए हो सकता है। तो अगर आप इसके टायर्स देखो तो इन्होंने टैंक के टायर्स जैसे होते हैं उस तरीके से बनाया था कि अगर कभी भी कोई हर्डल आता है सामने तो उसकी वजह से ये रुक ना पाए। और यहाँ पे देखो कैमरे लगे हैं यहाँ पे और कैमरा के साथ सेंसर्स भी लगे हैं ताकि कोई भी आगे दीवार आए या फिर कोई भी बड़ा हर्डल आए, वॉल आए, तो ये टैंक उसके हिसाब से खुद टर्न कर जाए और खुद रुक जाए। और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे लगी है इस टैंक के बारे में। तो ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो इसके ऊपर जितने भी कैमरास लगे हैं इस रोबोट के ऊपर उसके विजुअलाइजेशन हो रही है। यहाँ पे टॉप पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हीट सिग्नेचर्स आ रहे हैं और बाकी जो सेकेंडरी कैमराज हैं वो यहाँ टॉप पे आ रहे हैं और ये है जो इसका मेन कैमरा है। तो आप एक ही स्क्रीन के ऊपर सारे कैमरे इसके अंदर क्या क्या हो रहा है वो सब देख सकते हो, आपको स्विच करना नहीं पड़ेगा कैमरा। और ये जो राइट साइड पे ये जिस भी कमरे के अंदर या रूम के अंदर ये रोबोट है उसका 3D व्यू आ जाता है और जानने के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है पुलिस के लिए कि एक्चुअली उस रूम के अंदर क्या है और उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे इनके ऑप्शन हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पैनल है यहाँ से आप कैमरे को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं अभी इसको लेफ्ट कंट्रोल करूँगा और ये कैमरा जो है थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगा। ये देखो जैसे आप देख सकते हो जितना भी आप दबाओगे उस हिसाब से ये कैमरा जो है मूव करता रहेगा। और ये जो पैनल है यहाँ से ये इसका जूमिंग के लिए है, तो हम इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं और ये जूम भी हो जाता है और इसकी क्लैरिटी जो है बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर जो गैजेट्स लगे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और जो कैमरे की क्वालिटी बहुत ही HD और फीचर्स बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है ये फ्यूचर में जो पेट्रोलिंग है उसके लिए। तो ये जो मेरे पीछे आप इमेज देख रहे हो इसके अंदर एक किसी और देश में एक पेशेंट है और जो डॉक्टर है वो दूसरे देश में है और ये 5G टेक्नोलॉजी यूज़ करके किसी और कंट्री से मशीनरी ऑपरेट कर रहा है उस पेशेंट की कंट्री के अंदर और उसको क्योर कर रहा है। तो अभी इनका एक और यूज़ केस यहाँ पे शो कर रहे हैं ये जो कि मेट्रो के लिए यूज़ होगा। इन्होंने जो मेट्रो की एंट्री और एग्जिट जो की है वो फेस रिकग्निशन से कर दिया, लेकिन अभी ये कमर्शियली नहीं आया है, ये 3 से 4 साल के बाद स्टार्ट होगा। लेकिन
फ्यूचर के अंदर आपको मेट्रो कार्ड या फिर आपका फ़ोन स्कैन नहीं करना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन में एग्जिट, मेट्रो स्टेशन में एंट्री या फिर एग्जिट करने के लिए, आप सिर्फ अपना फेस रिकग्निशन से मेट्रो में अंदर या बाहर जा सकते हो। और ऐसा सुनने में आया है कि बेंगलोर में भी एक एयरपोर्ट पे ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूज़ की जा रही है। एक फ़्लाइट है एयरलाइन है विस्तारा, उसकी एक फ़्लाइट है जो कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। तो जो 5G टेक्नोलॉजी है सारे बैरियर्स जो है वो ब्रेक करने वाली है, क्योंकि अगर सारी डिवाइसेस जो है 5G के साथ कनेक्टेड हो जाए तो ये आपको ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल या फिर एग्रीकल्चर हर सेक्टर के अंदर हेल्प करने वाली है जो कि आप डेली यूज़ करते हो। अगर हर व्हीकल जो है 5G के साथ कनेक्टेड है तो ये एक जितने भी व्हीकल्स हैं सारी उसके अंदर एक्सीडेंट्स का जो खतरा होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा कंपैरेटिवली जो अभी है, क्योंकि सारी व्हीकल्स जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी और वो सेम स्पीड और उनको पता होगा कि कितनी दूर दूसरी व्हीकल्स हैं। मेडिकल के अंदर इस तरीके से ये हेल्प करेगी कि अगर हमें इंडिया में बैठे हुए इलाज चाहिए किसी अमेरिकन डॉक्टर से तो हमें अमेरिका जाना पड़ता है, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी यूज़ में जब आएगी तो जो अमेरिका में डॉक्टर बैठा है वो आपका इंडिया में बैठे बैठे इलाज कर देगा, क्योंकि जो अमेरिका में डॉक्टर बैठा है वो अपने हैंड जेस्चर से जो इंडिया में मशीनरी पड़ी है उसको हैंडल करेगा और आपको इजीली क्योर कर देगा।